वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, जिसको लिखा है नाली पालकी वाला ने। ये चैप्टर बेसिकली फोकस करता है अर्थ की डिक्लाइनिंग हेल्थ के ऊपर, एंड इसको एक आर्टिकल के तौर पे पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस ऑन नवंबर 23, 1994 में। द राइटर हैज़ डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन मोमेंट और कैसे जू जाम्बिया में जो था उसने इंसान को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल कहा है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं वो है ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है एनवायरनमेंट के तहत। यहाँ पे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज करता है, विच इज़ द डिटोरिएटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। अगर हम एक अर्थ को पूरा पर्सन के जैसे इमेजिन करें तो उस हिसाब से उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये जो ऐसे है 1972 के बारे में बात करता है, जहाँ पे ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के थ्रू, जिसमें अवेयरनेस रेज की जा सके और अर्थ की कंडीशन को सुधारा जा सके। अर्थ को एक पेशेंट की तरह बताया गया है जिसकी हेल्थ कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। 1987 में टर्म आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वर्ल्ड कमीशन ने और एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए इसको इशू किया था। लुसाका के एक जू में जाम्बिया में बताया जाता है, वहाँ पे एक साइन लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। वहाँ पे कोई एनिमल नहीं है, वहाँ अगर आप अंदर गुफा में जाएंगे तो वहाँ पे एक मिरर है। इट गिव्स द मैसेज कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से हैं। ब्रांडेड कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है इस चैप्टर में कि क्या हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक उजड़ा हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जहाँ पे सिर्फ डेजर्ट्स होंगे, जहाँ लैंडस्केप से कोई ब्यूटी नहीं होगी, और जो एनवायरनमेंट होगा वो बिगड़ता जाएगा, डिटोरिएट होता जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिस्टम्स होते हैं जो कि फाउंडेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के। उनके चारों के नाम बताए गए हैं, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड्स। ये चारों सिस्टम हमें खाने पीने की वो सारी चीज़ें देते हैं और इंडस्ट्री को वो सारे मिनरल्स या मटेरियल्स देते हैं जिससे इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर हम अनसस्टेनेबल हो जाएंगे या फिर हम चीज़ों को ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे तो फिशरीज कोलैप्स होने लग जाएंगी, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स जो हैं वो बैरन लैंड या वेस्टलैंड जैसे बन जाएंगे, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो एकदम वर्स होते चले जाएंगे। पुअर कंट्रीज़ की बात करते हुए राइटर यहाँ पे बताते हैं कि लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि कई बार जो चीज़ खाने के लिए पकाई जाती है उससे ज़्यादा कीमत उस लकड़ी की होती है जिस पे वो खाना पकाया जाता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन का एक मेन रीज़न जो यहाँ पे बताया गया है दैट इज़ द ओवरग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ ऑब्जर्व दैट हर 4 डेज में 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा समस्या है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है। एक्चुअली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। डेवलपमेंट एक कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे बताया गया है जो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग कहीं ना कहीं रिसोर्स को ख़त्म करते चले जाएंगे और आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे लास्ट में एक बहुत अच्छा कोट दिया गया है दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड द प्लैनेट फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें ये प्लैनेट विरासत में नहीं मिला है, हमने अपनी आने वाली जनरेशन से इसको उधार पे लिया है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपके काम आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स।